कैसे पक चुके हैं आपको किस तरह से पता चलेगा, जब ये पूरे तैरते हुए ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है अभी। ये देखिए ग्रेप्स कितनी अच्छी तरह से पक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये सब ऊपर आ गए हुए। जब ये ऑटोमेटिकली जब ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपके ग्रेप्स पक चुके हैं अच्छे से। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकने देना है, सिर्फ 2 मिनट हमें इसे बॉईल होने तक पकाना है, जब तक ये पूरे तैरते हुए ऊपर ना आ जाए। अभी हम इसे छान कर निकाल लेते हैं। ध्यान रखें इसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप गैस बंद कर दीजिए। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये आप आसानी से 2 से 3 महीने फ्रिज में स्टोर रख सकते हो इसे, क्योंकि हमने ये घर पर बनाए हुए हैं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये देखिए हमने छन्नी में इसे निकाल लिए है। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट इसी के अंदर रहने देंगे ताकि पूरा पानी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। अभी हम इसे एक कॉटन के कपड़े पर रखेंगे। ये देखिए हमने कॉटन के कपड़े पर इस तरह से अभी इसे सूखने के लिए रखे हैं। अभी हम इसे धूप में रख देते हैं और इसे 2 से 3 दिन तक इसे धूप में सुखाएंगे, तब जाकर ये हमारे जो किशमिश है वो 1.5 से 2 महीना इजीली स्टोर हम कर सकते हैं। हमें इस तरह से इसे दूर दूर डालना है, एक दूसरे से चिपका कर नहीं डालना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे किशमिश रेडी हो चुके हैं। हमने 2 दिन इसे कड़ी धूप में इसे इस तरह से सुखा चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे YouTube चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।